हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सरविद लव। कोल्ड कुकिंग है, बिना गैस जलाए मैं आज रसमलाई बनाने जा रही हूँ। तो रक्षाबंधन आ रहा है, मैंने सोचा रक्षाबंधन स्पेशल मैं रसमलाई बना लेती हूँ। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या सामग्री लगती है। एक टीस्पून में बटर डाल रही हूँ। मेरा बटर पिघला हुआ है क्योंकि मैंने पहले से प्लान किया था बनाऊंगी, तो बटर निकाल के मैंने बाहर रख दिया था। तो ये मेरा सॉल्टेड बटर है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर नहीं है तो आप उसमें एक पिंच सॉल्ट डाल सकते हो। इसी में मैं एक टेबल स्पून चीनी डाल रहा हूँ। चीनी पाउडर है, मैंने चीनी लेके मिक्सी में पीस लिया है, तो उसी का ये पाउडर बन गया है। अभी इसको मैं इसी की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने ये बटर और चीनी को मिक्स कर दिया, तो ये इस तरीके से पेस्ट जैसा बन गया है। ये चीनी बटर मिक्स करने का एक ही रीज़न है कि अंदर स्टफ़ करूँगी ना, ये वो मटेरियल बना रही हूँ, तो ये हमारा सॉफ्ट और स्मूथ, एकदम स्मूथ रहेगा, तो हार्ड ना हो, इसकी वजह से मैंने बटर और चीनी का ये पेस्ट बना लिया है। तो मैंने ये कि कटोरी का मेजरमेंट लिया है, एक कटोरी में कि एक कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तो मैंने नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। इसी में मिल्क पाउडर भी मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले। ये थोड़ा सा जो बटर, चीनी, मिल्क पाउडर है, सब मिक्स हो जाएगा ना। दूध उबाल के जो ठंडा कर लेते हैं ना, तो ये रूम टेम्परेचर पे दूध है, उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर पे हो चुका है। तो यही दूध मैं एक एक ऐसे थोड़ा थोड़ा, जैसे एक एक स्पून डाल के इसका मुझे डो बना लेना है। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मिल्क पाउडर में ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत नहीं होती, वो फटाफट डो के रूप में आ जाता है। देखिए, अभी ये थोड़ा सा अभी भरभरा ही है, तो एक टीस्पून मैं इसी में दूध और डाल दे रही हूँ। तो इसको स्मूथ सा ऐसे डो टाइप का तैयार कर लेना है। जितना भी दूध लगेगा, 2 चम्मच 3 चम्मच, उतना दूध डाल के इसका हमें डो तैयार कर लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हुआ। देखिए कितना स्मूथ है ये, जब उसमें भरावन भरा जाएगा ना, बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ होना चाहिए, उसी तरीके से ये स्मूथ है। लेकिन इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। ये देखिए, इतना फ्लफी सा ये हो गया ना, ये देखिए। तो अभी ये मटेरियल बनके तैयार हो गया, इसको मैं साइड कर देती हूँ कि 1.5 कप मैं इसमें दूध ले रही हूँ। वो भी दूध मैं यूज़ कर रही हूँ ना, रूम टेम्परेचर पे दूध है, क्योंकि गैस तो हमें जलाना नहीं है, तो इसलिए मैं वही रूम टेम्परेचर का दूध यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं चीनी डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 कप में मिल्क पाउडर ले रही हूँ, ये भी इसी दूध में डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो दूध में मिल्क पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। जो रसमलाई हम खाते हैं मार्केट का ना, तो उसका जो दूध होता है, ये वही दूध बन के तैयार हो रहा है। तो देखिए ना, वो कितना टेस्टी होता है। ये रसमलाई तो टेस्टी होती ही है, उसका जो दूध होता है वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो वही ये मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जो भी इसमें ये गांठे गुठलियाँ हैं ना, सब मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, मिल्क पाउडर इसमें मिक्स हो चुका है, और ये मतलब काफ़ी गाढ़ा दूध बन के तैयार हुआ है। तो इसमें फ्लेवर के लिए मैंने वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, 2 ड्रॉप डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है। वेनिला एसेंस से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो एक बार अगर आप लोग नहीं डालते हैं तो एक बार ज़रूर आप वेनिला एसेंस डाल के ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है, बिल्कुल हलवाइयों जैसा बन के तैयार होता है। तो देखिए, वेनिला एसेंस भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, जैसे ये 5-7 बादाम था, उसको मैंने ऐसे स्लाइस स्लाइस में काट लिया है, इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। कुछ ये पिस्ता भी काट लिया है, कुछ काजू काट लिया है। तो मान के चलिए कि 5-7 पिस्ता, 5-7 काजू और वही 5-7 बादाम मैंने काट के स्लाइसेस में ऐसे काट लिए, क्योंकि ऐसे देखने में अच्छा लगता है। तो बस काट के इसको भी मिक्स कर दिया है। तो आप चाहिए तो ऐसे वाइट ही इसको रखिए, या फिर आप फूड कलर डाल सकते हो। लेकिन मैं ये केसर के धागे गर्म पानी में भिगा दी थी, थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था, उसमें केसर के धागे डाल के ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो बस यही मैं इसमें डालूंगी। देखिए केसर से कितना प्यारा कलर आ गया है। तो अभी तो बिल्कुल दुकान वाला ही लग रहा है कि जैसे दुकान में हलवाई लोगों के यहाँ हम रसमलाई लेने जाते हैं ना, तो देखिए। लेकिन हलवाई लोग केसर के धागे कहाँ यूज़ करते हैं, वो लोग तो कलर ही डालते हैं। लेकिन देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसका। तो ये दूध भी बन के तैयार हो गया, इसको भी मैं साइड में रख लेती हूँ। मैंने ये कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, इसी से मैं रसमलाई बनाऊंगी। एक प्लेट ले लिया है, और एक ही कटोरी लिया है, स्टील की कटोरियाँ जो होती हैं ना, वही कटोरी लिया है। ब्रेड को ऐसे रख के बीच में कटोरी रखो, लाई में काट लेती हूँ। ये देखिए, ये हो गया ना। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड स्लाइसेस काट लेती हूँ, और बाकी जो ये एक्स्ट्रा बचे हुए हैं ना, इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हो।
एक मैं और काट के दिखाती हूँ, ब्रेड स्लाइस ले लिया है ना, इसी पे कटोरी रख के ऐसे ही मैं इसको गोलाई में काट लूंगी। ये देखिए ऐसे गोल गोल पीसेस मुझे चाहिए। ये देखिए मैंने अपने ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से काट के अरेंज कर लिया है, और इसके जो साइड के ब्रेड बचे हैं ना, इसका मैं ब्रेड क्रम्स बना लूंगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और थोड़ा सा रोस्ट करके फिर फ्रीजर में रख दीजिए। आप इसको जब भी यूज़ करना हो, ब्रेड क्रम्स का रेसिपी बनाना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ब्रेड तो ये हमारे कट चुके हैं, और ये मैंने फिर से वही रूम टेम्परेचर पे दूध ले लिया है, क्योंकि ये जो ब्रेड है ना इसको मुझे गीला करना है। तो ब्रेड को बस ऐसे दूध में डाल के इस तरीके से गीला करके और इसका दूध हमें निचोड़ लेना है। पूरे तरीके से दूध निचोड़ लेंगे तो ये ब्रेड हमें सॉफ्ट मिलेगा, मतलब सॉफ्ट ही ब्रेड हमें चाहिए। तो इस तरीके से इसका पूरा दूध निचोड़ देना है। ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड को ऐसे बना लेती हूँ। ये लास्ट वाला ब्रेड पीस बचा है, इसको भी मैं इसी तरीके से दूध में डुबो के बस इसको ऐसे दबा लूँगी। इसको दबा के दूध निकाल देना, नहीं तो क्या होगा, ब्रेड पीस जो है ना हमारे टूट जाएंगे और भरते नहीं बनेगा। फिर जो हम स्टफ़ करेंगे इसके अंदर ना, फिर वो करते नहीं बनेगा। सारे ब्रेड पीसेस को मैंने दूध में डुबो के उसको अच्छे तरीके से दूध को निकाल के इस तरीके से प्लेट में रख दिया है, और ये जो दूध बच गया है ना इसको मैं चाय बनाने में यूज़ करूँगी। ये देखिए जो ये स्टफ़ करने के लिए मैंने बनाया है ना, इसको ये देखिए इस तरीके से ये लिक्विड है, क्योंकि अच्छे तरीके से भरते बनेगा, लेकिन फिर भी इसको मैं इस तरीके से एक बार अच्छे से ऐसे फेंट लूँगी तो और फ्लफी सा हो जाएगा, फ्लफी सॉफ्ट सा हो जाएगा। ये लीजिए ये एकदम सॉफ्ट सा मटेरियल बन के तैयार हो गया। फिर से थोड़ा सा फेंटने से ना ये फ्लफी सा हो जाता है और अच्छा हो जाता है, तो हमें स्टफ़ करते अच्छे से बनेगा। तो ये ब्रेड को, एक पीस ब्रेड को मैं उठा लेती हूँ ये देखिए हाथों में, और जो ये मटेरियल बना लिया है ना इसको मुझे इसी ब्रेड में इस तरीके से चारों तरफ ऐसे लगा देना है। तो एक पीस में मैंने ये देखिए लगा के रख दिया है, और इसी तरीके से मैंने दूसरा पीस ले लिया है, दूसरे पीस में भी ऐसे लगा देती हूँ। हल्के हाथ से ही लगाना है ताकि ब्रेड को मैंने दूध में डिप किया है ना, तो ब्रेड भी नहीं टूटना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इसे फैला दूंगी। ये देखिए दूसरा ब्रेड भी मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अभी इसको जो ये दूसरा ब्रेड का स्लाइस है ना, इसको इसी के ऊपर ये देखिए इस तरीके से रखते हुए, और जो ये साइड है ना इस तरीके से इसे दबा दूंगी, क्योंकि दूध में डिप हुआ है ना तो ये सॉफ्ट भी हो गया है, तो ऐसे दबाते बनेगा अच्छे तरीके से। तो बस इसको ऐसे ही हमें दबा देना है, ये दबा देंगे चारों तरफ से तो ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए चाहे इधर से देखिए या फिर इधर से देखिए, एकदम से ये लॉक हो गया है। तो इस तरीके से ये बना के जिसमें मैं सर्व करूंगी ना, उसी प्लेट में मैं इसको ऐसे रखती जाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, एक मैं और स्टफ करके दिखाती हूँ इसको, या फिर हाथ से भी आप फैला सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप फैला सकते हो। और दूसरा ब्रेड स्लाइस ले लिया है, इसको इसी के ऊपर ऐसे रखते हुए और साइड साइड से इसको हमें लॉक कर देना है। ऐसे दबा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अपने थाली में इसको सेट कर दिया है। आप चाहिए तो कोई ट्रे ले लो या फिर थाली में भी कर सकते हो। थाली में अच्छा होता है कि ये इसका ये हाइट है ना, तो जो भी दूध रहेगा वो गिरेगा नहीं, इसलिए मैंने थाली में किया है। अभी जो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के ये दूध तैयार किया है ना, बस यही दूध हमें इसके ऊपर डालना है। तो देखिए इस तरीके से, देखिए ना देखने में कितना टेस्टी, कितना सुंदर लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप खुद ही देख लीजिए ना कितना सुंदर लग रहा है। इसके सामने तो जो हलवाई लोगों का होता है मार्केट वाला रसमलाई फेल है। आप यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप एक बार बना लिए ना, तो मार्केट का तो रसमलाई खाना आप भूल ही जाएंगे। तो जब भी रसमलाई खाने का मन होगा तो आप घर में ही बना के खाना पसंद करेंगे। जितना भी दूध है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दूध डाल सकते हो। ले लीजिए मैंने अपना सारा जो भी दूध बनाया था ना वो सारा दूध इसमें डाल दिया, और ड्राई फ्रूट्स देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसमें केसर के धागे भी एक एक दिख रहे हैं ना, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस अभी ये हमारा बिल्कुल बन गया है। अभी इसको मैं ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में जब एकदम ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि रसमलाई तो ठंडा ही खाने में मज़ा आता है, तो इसको ऐसे उठा के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, आधे घंटे के बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स रसमलाई हमारी बन के एकदम तैयार हो गई है। इसको मैंने सेट भी कर दिया फ्रिज में रख के। तो अभी तो इसको मैं काट के दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ही टेस्टी रसमलाई बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए और रक्षाबंधन इंजॉय करिए। अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद यही स्वीट खिलाइए आप। बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई है। ये देखिए ये रक्षाबंधन स्पेशल रसमलाई बना के मैंने तैयार किया है।
इस तरीके से आप लोग भी बनाइए और रक्षाबंधन एंजॉय करिए। हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।